नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी और लाइफ की तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट एम की फेबर और मार्च 2023 में जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी यूज़ करके ख़त्म कर दिए हैं और मैं उन्हें रीपरचेज़ करने में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं ये दोनों टोनर्स हैं लेट्स टॉक अबाउट दिस वन ये मरियो मरियो बडिस्कू स्किन केयर का ये लेवेंडर वर्जन मैंने लिया था Uh, इसमें से लेवेंडर की खुशबू आती है और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डेफिनेटली बी केयरफुल एंड अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें मुझे uh, ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है कि इसको लगाने से कुछ हुआ मुझे डेफिनेटली एक्ने प्रोन स्किन है सेंसिटिव है पर इतनी भी नहीं कि इसको लगाते ही कुछ हो गया सो आई एम थैंकफुल टू

एंड दैट इज़ दैट इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ स्पेशल मुझे तो नहीं लगा कि मैं इसे दोबारा से जाके परचेज़ करूँ और ऐसा कुछ बुरा भी नहीं हुआ इसको लगा के सो आई एम ब्रेडी क्लियर इन माई हैड कि इसे मैं दोबारा तो नहीं परचेज़ करने वाली आई हैड परचेज इट फॉर ट्राइंग आउट

एक्चुअली इट्स अ फेशियल स्प्रे एंड आई वुड लाइक टू टेल यू इसका पर्पज़ ये होता है कि आपको फ्रेशनरअप फील कराए बट मैं इसे ऐसा टोना यूज़ कर रही थी अपने स्किन को क्लीन करने के लिए एंड दैट्स द रियलिटी लेट्स टॉक अबाउट दिस वन दिस इज अनादर फेशल स्प्रे बिच आई यूज एज टोना टू क्लेंस माई फेस और ये मिनीसू से मैंने परचेज किया था वन फिफ्टी एम एल का बॉटल है चार पाँच सौ रुपए का आता है um, यस एलोवेरा है इसी की इंग्रेडिएंट की वजह से मैंने इसे पिक किया था दैट इज़ द रियलिटी दैट इज़ व्हाट अट्रैक्टेड मी टूवर्ड्स दिस बिकॉज मेरा जो स्किन टाइप है वो नॉर्मल टू डिहाइड्रेटेड स्किन टाइप है इट्स टोटली ड्राई ऑल द टाइम एंड यस आई ट्राई दिस वन अगेन इट्स अ बेडी बेसिक टोनर गुड फॉर सेंसिटिव स्किन एंड एखने वखने कुछ एग्जिजरेट नहीं किया इसने और इसकी खुशबू भी बहुत बहुत भीनी है इट्स नॉट दैट यू विल गेट सम काइंड ऑफ हेड एक सो दैट इज़ अ गुड थिंग माइट रीपरचेज आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज मेरे पास और भी टोनर्स हैं जो uh, मैं यूज़ uh, करती हूँ रेगुलरली लाइक सेंटेला बाय कॉस्ट्रैक्स सो दैट इज़ दैट इवन प्लम का टोनर है जो मैं रिलीजियसली यूज़ करती हूँ ग्रीन टी टोनर सो दैट इज़ ऑलसो गुड एंड आई एव बिन रीपर्चेजिंग प्लम्स ग्रीन टी टोना सो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिपर्चेज करती रहती हूँ मैं खाली करती रहती हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि इसको डेफिनेटली जाके मैं परचेज करूँगी बिकॉज अगेन इसमें कुछ ऐसा अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है स्किन मेरी ड्राई स्किन है तो उसे एक्स्ट्रीमली ड्राई तो नहीं बनाता पर ऐसा भी नहीं है कि इसको अप्प्लाई करने के बाद ड्राइन आउट नहीं होती है स्किन सो so, ऐसा कुछ बिग प्रॉब्लम नहीं है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड और इन क्लाइन टूवर्ड्स वील परचेजिंग इट अगेन लेट्स टॉक अबाउट दिस ये बाथन बॉडी वर्कस का है बिस्किस पैराडाइज का शारजल है विथ विटामिन ई एलोमिन विटामिन ई आप देख सकते हैं मैं कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ अपने स्किन पे जो कि मेरी स्किन को हाइड्रेटेड रखें डेफिनेटली इट वाज अ गुड शारजल पर से स्मेल वाइज डिंट लाइक इट मच मैंने इसे स्निफ किया था स्टोव तो पे या नहीं मुझे याद नहीं बट मैंने इसे सीधा ऑनलाइन परचेज किया था एंड इट जस्ट फेड लाइक अ रेगुलर बॉडी वॉश टू मी नथिंग स्पेसिफिक नथिंग स्पेशल एंड दैट इज़ वाई एम नॉट टू री परचेज दिस वन पर से एंड आई एम ग्लैड कि इसे मैंने लगभग डेढ़ दो महीने में फिनिश कर दिया मैंने तो लास्ट में पानी डाल के भी इसे यूज़ किया है बिकॉज बॉडी वॉश जो है ये वाला या फिर बाथिन बॉडी वर्कस के थोड़े थिक होते हैं तो एंड आते आते वो निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया था इसके नोज़ों से एंड uh, नोज़ों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स वे गुड एक्चुअली एंड बस मैंने पानी डाल के इसे यूज़ किया एंड आई एम डन विथ इट पैकेजिंग वॉज रियली गुड उप्स एंड इसकी वैसे शेल्फ लाइफ ट्वेल्व मंथ्स है दैट्स गुड एंड एलो प्लस विटामिन ई है इसके अंदर uh, अंदर अच्छी बात है एंड आई यू आर गेटिंग टू नाइनटी फाइव एम एल का प्रोडक्ट एंड सेल पर अगर इसे पिक करोगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा एंड अदरवाइज आई थिंक इट्स इट रेज फॉर समवर अराउंड सेवनटी एट्टी देर एम सोर समथिंग लाइक दैट सेल पर ले लो यार सस्ता पड़ेगा मैंने भी सेल पर ही पिक किया था एंड आई डोंट नो आई आई एम नॉट गोइंग टू टू परचेज दैट वन फॉर शो लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोडक्ट ये जो है ये मैंने आपको विक्टोरिया सीक्रेट हॉल वीडियो में भी दिखाया था अगर आपने वो हॉल वीडियो नहीं देखी है डेफिनेटली मेरे चैनल पर जाकर देखना आई एम श्योर यू लव इट लेट्स टॉक अबाउट दिस वन ये पोमग्रिट एंड लोटस बैलेंस का ट्वेंटी फोर आर मॉइस्चराइजर मॉइस्चर फ्रेग्रेंस लोशन है विथ शेयर बेटर एंड कोकोनट ऑयल टू थर्टी सिक्स एम एल ऑफ प्रोडक्ट है इसके अंदर और ये विक्टोरिया सीक्रेट का प्रोडक्ट है लव इट मुझे ऐसे रोज़ वाली फ्रेगरेंस वाली प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं uh, काफ़ी नरिशिंग है ये और ये मैं पूरा ही ख़त्म कर चुकी हूँ कुछ नहीं है एक्चुअली इसके अंदर कुछ भी नहीं है मैं पूरा स्क्वीज आउट कर चुकी हूँ एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई पिक दिस वन अप क्योंकि ये प्रोडक्ट uh, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था स्टोर पे अगेन आई परचेज इट परचेज इट वाइल बैग सेल पे था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जो कुछ भी है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है डेफिनेटली गोइंग टू री परचेज मेरी ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन पर बहुत अच्छे से काम करता है लेट मी जस्ट ट्राई आउट समथिंग इज लेफ्ट थोड़ा बहुत है तो ये वाइट कलर का दिखता है चलो इतना दिख रहा है काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है ऐसा लगता है जैसे आपने कोई अच्छी सी परफ्यूम लगा रखी है सो इसलिए आई एम रियली गोइंग टू री दिस वन अगेन ऑन सेल एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं इसे ख़त्म कर पाई इसको ख़त्म करने में मुझे टाइम लग गया एक तीन महीने तो कहीं नहीं गए क्योंकि मैं और भी बॉडी क्रीम्स लगाती रहती हूँ तो रोटेशन पे चलता रहता है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक इन तीन महीने लगभग लग गए होंगे बड़े बड़े आई एम डन विद एंड आई एम डेफिनेटली टूटल परचेज दैट लाइट स्टॉक अब अनार वन फ्राम विक्टोरिया सीक्रेट इसको तो मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट मैंने दिखाया था एंड एम सो ग्लैड कि इसको मैंने फाइनली खत्म कर दिया खत्म ही नहीं हो रहा था क्योंकि तो सारे परफ्यूम्स यूज़ करती रहती हूँ या बॉडी में यूज़ करती रहती हूँ इसका चांस नहीं आ रहा था पर फिर मैंने वॉज लाइक नहीं मेरे को तो ख़त्म करना है बिकॉज uh, इन द सेंस ये ना यूज़ करने वाली बात है और रेगुलरली यूज़ करूँ तो ख़त्म होगी ना चीज़ तो फिर आई एम मेड पॉइंट कि मैं इसे यूज़ करूँ जेनरली यूज़ करूँ इधर उधर जब भी बाहर जाए तो स्प्रिट्स करके जाऊँ मैं बहुत टाइम भूल जाती हूँ परफ्यूम्स uh, को अप्लाई करना आई डोंट नो बाई सो बट या दिस इज़ बाय विक्टोरिया सीक्रेट वेलबेट पेटल्स टेकड एंड लव द पैकेजिंग इसका तो मैंने बॉडी की लोशन uh, भी परचेज किया था वो मैंने फिनिश कर दिया था um, और ये ख़त्म करना रह रहा था सो आई एम ग्लैड कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है थोड़ा बहुत जो नीचे रह गया होगा वो तो खत्म सही है टू फिफ्टी एम की ये बॉटल आती है अगेन सेल पे परचेस करो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड ये तो मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ और मैं स्टोर पे अगर गई अगली बार तो डेफिनेटली आई ट्राई टू पिक दिस वन आप और डेफिनेटली डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई लेट्स टॉक अबाउट दिस वन ये तो द बॉडी शॉप का ब्रिटिश रोज और ई है बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी आप एक पैटर्न देख लोंगे फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चाहे वो बॉडी लोशन में हो या फिर परफ्यूम्स uh, में हो या फ्रेगरेंस fragrance, फ्रीग्रेंसेज uh, में हो आई I मीन mean. और यू आर गेटिंग हंड्रेड एम एल बॉटल और काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके थर्टीन नाइन्टी फाइव का हंड्रेड एम एल का बॉटल uh, मिल रहा है आपको वैसे अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में एक्सपायरी थी इसके नाम कंप्लीटली डाउन इट इतना सा जो बच्चा वो बाहर आ नहीं रहा है हाउ आई ट्रैक टू इट विल सी इफ़ आई कैन यूज़ इट एनी any अदरवाइज आई डिस्कार्ड द the एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई used इट up बहुत ही जनरली मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है बताते हुए कि मेरे को ये बहुत ही पसंद आया एंड लॉन्ग लास्टिंग कोई भी फ्रेग्रेंस मेरी स्किन पे नहीं रहता बट ये टू एन एक्सटेंड यू नो लिंगर करता है मेरी स्किन पर इतना भी नहीं बट जितना भी करता है आई जस्ट रियली एंजॉय एंड इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है रोजी फ्रेगरेंस है इसकी आई आई वॉज लुकिंग ट्वेंटी फोर मंथ्स की वैसे वैलिडिटी है इस बॉटल में जो प्रोडक्ट उसकी एंड अगर आपने द ब्रिटिश रोज का कोई भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया है यू मस्ट गिव इट अ ट्राई यू लाइक फ्लोरल फ्रेगरेंसिस और रोज की फ्रेगरेंस बहुत ही आर्टिफिशियल भी होती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की फ्रेग्रेंस इसकी नहीं है इट जस्ट स्मेल्स डिवाइन वन ऑफ द बेस्ट आई हैव कम अक्रॉस सो येस आई एम गोइंग टू डेफिनेट री परचेज दैट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस मुझे लगता है मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था कि मैंने इसे जैन में या फेब में लगभग राइट जैन में देअ वॉज अनदर लिपस्टिक फ्लोर मार विच आर हेट फिनिश्ड अप पिंक न्यूड पिंकी न्यूड करके वो शेड था एंड उसके बाद आई वज जस्ट वर्किंग ऑन दिस वन एंड आई थिंक फेब मेड आते आते आई वज जस्ट ऑलमोस्ट डन विथ दिस वन दिस इज बाय एसेंस कॉस्मेटिक्स डेलीकेट लव द शीन दैट इट हैज़ गॉड इट लुक्स रियली गुड ऑन माई स्किन लिप्स रादर एंड यू कैन सी इट्स अ पीच कलर विथ श्योर फिनिश आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी लिप्स uh, जो है वो डिहाइड्रेट फील करेंगी क्योंकि काफ़ी नरिशिंग प्रोडक्ट है लिपस्टिक है श्योर सैटिन लिपस्टिक लव इट एंड इसमें और भी एक शेड लिया था वो शेड मैंने uh, लगाया अपने लिप्स पे वो शेड मुझे कुछ जमा नहीं आई शो यू इन सम अदर वीडियो बट फॉमोलेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई अगर आपको सैटिन फिनिश की लिपस्टिक्स अच्छी लगती हैं तो आई एब्सोल्युटली लव द फॉर्मोलेशन एंड दिस कलर ऑन माई लिप्स एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू अपडेट यू इन द मंथ ऑफ फैब थर्ड वीक फोर्थ वीक आई वॉज जस्ट डायग्नोस्ड विथ सेबरिक डेटाइटिस इसलिए मैं ज़्यादा कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर पाई जो मैं रेगुलरली यूज़ कर रही थी और काफ़ी लिप प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि लिप्स के पास भी काफ़ी एलर्जी हो रखी थी सो आई हैव रिकवर्ड फ्राम दैट एंड देट इज़ द रीज़न यू आर सींग बहुत ही कम सामान मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है एंड आई रियली होप कि गोइंग फॉरवर्ड विल मीट रेगुलरली एंड टॉक अबाउट सच एम और और प्रॉब्ली विल स्टिक अराउंड सो थैंक्स इफ यू हैव बिन अराउंड एंड यू हैव बिन सपोर्टिंग माई चैनल आई एम रियली थैंकफुल तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें और मैं आपसे जरिए मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में टेक बाय बाय